राजस्थान से आ रहे हो आप? हाँ। तो गाइस ये खड़ी हमारी दोनों बाइक, ये क्लासिक और ये हमारी GT 650। अभी यार थोड़े ना ऐसे खड़ी है तो गंदी से हो गई, दूर मिनट जम रही है, और अब इसका टैंक फुल कराएंगे, इसमें पेट्रोल भी नहीं है। हे गाइस, मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो कैसे हो आप सब, आई होप अच्छे होंगे। तो यार आज ऋषिकेश में है, तीसरा दिन। कल अपन चले गए देहरादून, अपने GoPro में जो अडेप्टर था वो अपने चेंज करवा दिया, तो अपना GoPro सेटअप पूरा तैयार बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। अब उसमें माइक में कोई इशू नहीं आ रहा, अपने एक एक्स्ट्रा माइक भी ले लिया है, अडेप्टर था वो तो नया लिया है, जो पुराना था अपने उसको दे दिया रिटर्न के अंदर। अभी अपन यहाँ चलेंगे चोपटा, ऋषिकेश चोपटा, चोपटा यहाँ से 170 किलोमीटर है। गूगल मैप सेकंड दिखा रहा है, तो अभी देखते हैं अपन कितना टाइम लगता है जाने में। अभी बस अपन निकल रहे हैं और अभी टाइम से 11:30 हो रहे हैं, और अपन ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट था यहाँ पे राजस्थानी होटल नाम से, भाई बहुत बड़ा कॉस्टली है, बट भाई मज़ा आ गया खाने में, बात ये अच्छा है। अगर आप, मैं ये रिकमेंड करूँगा ऋषिकेश में होना तो भाई बार इसका ट्राई करना, एक नंबर खाना है, सब चीजें मिलेंगी आपको, ठीक है भाई। क्लासिक में तो मेन स्टैंड है जिससे कि इजीली लूप हो जाती है, ये तो हो गई। और भाई अपनी वैसा कोई सिस्टम ही नहीं है भाई, आगे पीछे धकेल के, तो आगे करो पीछे करो, फिर तब जाके चेन लूप नहीं पड़ती है। देख रो अब चेन साफ से हो गई थोड़ी। अभी इसमें टैंक फुल कराएंगे, इसमें भी दिखा नहीं रहा भाई, इसमें एरर है। तो गाइस तुम्हारे भाई ने क्या भाई, अंकित भाई ने हेल्प करके भाई हमारा लगेज बंधा दिया। तो गाइस सारा लगेज ले लिया, अपनी राइडिंग जैकेट रखी इसके ऊपर, हेलमेट का स्किडी भी हटा दिए। अब इसकी बार कहता हूँ कोल्ड स्टार्ट, और ये पेट्रोल कर जाएगा अभी। तो गाइस यहाँ से निकल रहे हैं फाइनली, अभी यहाँ का मीटर रिसेट मार देते हैं, बी वाला मीटर। ट्रिप 216 चली थी, ये लो रिसेट मार दिया, टोटल चल चुकी है 7007 किलोमीटर, और ट्रिप एक घर से चले अपन 632.9 किलोमीटर, 633 किलोमीटर हो गया। अब यहाँ से अपन चल रहे हैं ऋषिकेश टू चोपटा। ओके लेट्स स्टार्ट। डीबी की तरह हटा ली है मैंने, और भाई गर्मी बहुत ज़्यादा यार, यहाँ पे बारिश का शो कर रहा था बट बारिश तो हो ही नहीं रही। जय बजरंगबली, आ जा। भाई साहब, अरे मौसम ठीक हो गया बार यार। भाई ये ऋषिकेश से अंदर गली में 50 मीटर भी नहीं है, और ये होटल अपने ऊपर जो दिख रहे हैं ना, ये वाली होटल है। लेट्स गो। हो भाई पहले तो माइक के चक्कर में दिक्कत आ रही थी, बट अब आपका भाई बिल्कुल तैयार है। भाई 50 मीटर नहीं, ये रही मेन रोड, अभी लेफ्ट में जाएगी तपोवन और राइट में जाएगी हरिद्वार की तरफ। बट यार यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, त्रिवेणी घाट यहाँ से पास में, इसलिए हमने यहाँ पे पास में रूम ले लिया। पहले पेट्रोल डाल रहे थे, देखो भाई अब ब्लिंक करने लगे ना, पहले यहाँ पे चार लाइन दिखा रहा था, अब ब्लिंक कर रहा है। भाई ट्रस्ट नहीं मेरे को उस पर यार बिल्कुल भी। चलो मौसम बढ़िया हो गया भाई, फिर से क्लाउडी क्लाउडी मौसम हो गया, अब दिक्कत कम आएगी। फिर से इसका टैंक फुल कराएंगे, एक बार घर से करा के लाए थे, रस्ते में दो बार करा लिया, और उसके बाद 600 किलोमीटर चल चुकी है, और भाई बार फिर से करा लेते हैं। यहाँ पेट्रोल है 93.22। बढ़िया, हाँ अभी ऊपर जा रहे हैं, चोपटा जा रहे हैं, चोपटा। ये एंड में अमेरिका से, हाँ आप लोगों की मदद से तो हम पहुंच जाते हैं। देख देख के टैंक फुल कर दो, 93.22 देते कितना लेती है भाई, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा यार। ऑटोकट पे लग गया, हाँ डालो। अभी पेट्रोल आया है 8.43 लीटर पेट्रोल, 785 रुपये का। भाई सब्सक्राइबर बढ़ के देख रहा है। और भाई यही मेन रोड है जो ऋषिकेश से आगे टॉप पावन, कौन सा वन है यार, वो वहाँ जाती है वो है। सही है भाई, हेलमेट में तो पहचाना नहीं, इसमें देख लेंगे। हाँ जरूर जरूर, थैंक यू भाई, खुशी होती है लोगों को देखी गाड़ी यार। इमोशंस है भाई, बात ये है। और यार कल यहाँ पे रात तो लड़ाई हो गई थी, इस साइड लड़ाई हो रही थी भाई, इधर पुलिस वाले की ड्यूटी लगी हुई थी, बट भाई इसको पीट रहे थे हम लोग, रुक गए, बट पुलिस वाले अंकल आए नहीं यार। ओ भाई क्या रिएक्शन मिलते गाड़ी होते भाई, यहाँ साउंड सुन के आगे से मुड़ रहा है, 20 मीटर आगे से बंदा देख रहा है। ये देखो यहाँ से आपको जो आगे से राफ्टिंग करने जाते हैं ना, 12 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, वो यहाँ पे लाके आपको छोड़ देते हैं, फिर यहाँ से ये बोट वापस आती है गाड़ियों पे लोड होकर, बाइक वगैरह सब रेंट मिलती है। बट भाई फायदा ये गाइस अपन आ गए तपोवन के अंदर। तपोवन में अच्छे अच्छे स्टेज है पता है, यहाँ बर्गर फार्म भी है, डोमिनोज भी है, सब है। मुझे ऐसा लगता है रोड थोड़ी नैरो है यार, 1 2 3 4 5 6 7 गाड़ियाँ तो सामने जा रही है, जैसे भाई थोड़ी बाइक चलती है ना फिर हवा लगती है तब मजा आता है। देखो यहाँ से भाई केदारनाथ 223, बद्रीनाथ 291, एंड व्हाट अबाउट भाई जहाँ अपन जा रहे हैं चोपटा, नथिंग, लेट्स सी। भाई सामने वाला भाई बहुत खुश हो रहे हैं भाई, पता नहीं क्या बात है, बोला बहुत मस्त बाइक है, ये है वो है, मतलब ये भी ठीक है भाई। अब दो श्रीनगर यहाँ से भाई 91 किलोमीटर, बद्रीनाथ 285,
भाई साउंड की वजह से मजे आते हैं यार भाई, रिएक्शन मिलते भाई। देख रहे भाई साउंड, भाई यहाँ पे बंजी जंपिंग 109 मीटर 117 मीटर भाई, फिर कभी ट्राई करेंगे यार। कि भाई लोग पहाड़ पहाड़ क्यों करते रहते हैं, पहले मैं भी सोचता था कि ऐसा क्या है भाई, बट यार अब पता पड़ रहा है क्या है भाई। देखो सामने ना लैंडस्लाइड हो गई और भाई पूरे रास्ते दो जितना वाइट वाइट है ना सारा पहाड़ टूट नीचे गिर गया भाई साहब। और ये मरीन ड्राइव बीच है, बीच क्या है फ्लाईओवर भाई, क्या मस्त है यार। और यार आपको अगर मजे आ रहे ना कंटेंट में अब लोग में, तो भाई लाइक कर देना यार वीडियो यार, कमेंट कर देना मस्त है। ओ भाई ये देखो यार ये वाला व्यू देखो, अरे 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 भाई साहब क्या सही सीन है यार, देख रहे हो यार। और गंगा नदी उधर से आ रही सामने से, अब ऐसे घूम के इधर से पूरा ऐसे घूम के फिर देखो ऊपर रास्ता रहा ना, वहाँ से आना पड़ेगा अगर मैं सही हो तो। देखो भाई कर्णप्रयाग 118 किलोमीटर, जोशीमठ 203, बद्रीनाथ 246 किलोमीटर। भाई अभी अपन उस पहाड़ पे थे, अब इसी पे आ गए यार। देखो यहाँ पे कॉलेज है, ये देखो यार ऐसे घूम के उस पहाड़ के उधर चल जाएंगे, पहले उस पहाड़ में थे अब इसमें आ गए। भाई इतनी ऊपर हाइट पर कैसे रह लेते हैं लोग यार, अब जैसे मान लो कोई इमरजेंसी हो फिर कैसे करेंगे यार ये लोग, मेरी ये समझ नहीं आती थोड़ी। अब देखो वहाँ पे सामने पहाड़ पे घर बने हुए, मंदिर वंदिर वगैरह है, अब वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको अगर हेल्प चाहिए तो कैसे मांगेंगे। भाई पहली इतनी लंबी राइड और पहली राइड इतना मजा आ रहा है यार, एक नंबर भाई एक नंबर। भाई दीदी सनसेट होने वाला है, देखते अपन कब तक पहुंचते हैं। तो भाई ये रही हमारी मैगी, प्लेन मैगी ज़्यादा येलो हो रखी भाई, थोड़ी कॉफ़ी। तो गाइस हमने हमारी मैगी और कॉफ़ी तो ले ली भाई, मैगी थोड़ी ना येलो कलर की थी यार, पता नहीं शायद भैया ने ज़्यादा शीशा डाल दिया इसके अंदर लैड। और अभी टाइम हो रहा है 6:46 ठीक है, और अभी हम बैठे श्रीनगर के अंदर, श्रीनगर भाई जे एंड के वाला नहीं भाई, यूके उत्तराखंड में एक और श्रीनगर है। और भाई यहाँ का जो व्यू है ना दिखाऊँ बात, दिखाऊँ कोई नदी है देखो क्या मस्त, और उधर सनसेट हो रहा है बहुत बढ़िया। और भाई श्रीनगर काफ़ी बड़ी सिटी है यार, सिटी है क्या डिस्ट्रिक्ट क्या है जो भी, मतलब बहुत फैली हुई है। देख रहे हो उधर देखो वाटरफॉल देखा भाई, वो देखना एक बोरा एक तो बोरा और एक वाटरफॉल ये रहा। तो भाई क्या ठंडा पानी है यार, ठंडी हवा चलती है मस्त मस्त। और भाई अभी यहाँ से चौपटा है 60-70 किलोमीटर चौपटा बचा हुआ है, अभी तो शायद रुद्रप्रयाग आएगा उसके बाद चौपटा आएगा, भाई रात हो जाएगी आज तो। और अभी तक होटल वोटल को डिसाइड नहीं किया, बट ठीक है देख लेंगे भाई, कोई दिक्कत थोड़ा है। अभी यहाँ पे एक डैम भी आने वाला है, कोटेश्वर डैम। भाई ये रहा डैम देखो क्या मस्त है ना, ये है कोटेश्वर डैम, अलकनंदा हाइड्रो पावर प्लांट। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करते हैं क्या, नाइस यार। अच्छा देखो ये कौन सी जगह आ गई, यहाँ पे कौन सी माता मंदिर है, पता कोई फेमस माता का मंदिर है, तब इतनी भीड़ है भाई इधर, पहुंच गया भाई। कितना भयंकर पानी सामने देख रहे हो यार, ये तो पूरा टूट गया भाई, और लेफ्ट में देखो यार यहाँ पे हुई है जोरदार। तो भाई पत्थर आ गया तो गए
पूरा लैंडस्लाइड हो गया भाई, ये तो पूरा का पूरा ही। गाइस बार सामने का व्यू चेक करना है बार, अब पूरा ऐसे घूम के सामने वो पहाड़ उधर जाना है, पुल बन रहा शायद NH-58 नरकोटा ब्रिज। ओ भाई ये देखो यार कितना बड़ा ब्रिज तैयार हो रहा है, देख रहे हो क्या मतलब टनल ही बन रही है। अरे हाँ यार टनल ही बन रही है, ये देखो लेफ्ट में ब्रिज रहा, बहुत बड़ा बन रहा है यार ये। अब चालू कहाँ से होगा ये समझ नहीं आ रहा है। ये सामने ये रुद्रप्रयाग भाई, वहाँ देख कहाँ कहाँ घर बसे हुए यार। तो ये सामने ये ऊपर ये रोड जाती है रुद्रप्रयाग, ये रोड रुद्रप्रयाग ही जाती है, अपन यहाँ से नहीं चले के लेफ्ट चलेंगे फ्लाईओवर से, वो जो भी ब्रिज है भाई। भाई रात हो गई बिल्कुल, मजा आ रहा है भाई। हम ना 12:30 निकले और 142 किलोमीटर चली है भाई, रोड इतना भयंकर है। ये पूरा रुद्रप्रयाग स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, गुप्तकाशी 46 किलोमीटर है और तिलवाड़ा 09 मतलब 9 किलोमीटर, और राइट में है रुद्रप्रयाग। भाई अभी मैं चोपड़ा से थोड़ा पहले हूँ और यहाँ मौसम देखो, बारिश हुई है ना, देखो मौसम देख रहे हो यार क्या मस्त है। और नीचे भाई जो मंदाकिनी रिवर है वो बह रही नीचे से ऐसे जा रही साथ साथ। भाई पीछे की जो साइड देखो ना, ऐसे मौसम होता है भाई कहीं काम कर रहा हूँ भाई, कामों का सीन नहीं है ये। मैं सबसे जहाँ पे हमने होटल ली थी रात को, ये सबसे टॉप ऑफ द उस पर आ गया जिससे मैं आपको आगे का व्यू दिखा सकूँ, समझ रहे हो। ये देखो भाई क्या सही सीन है, देख रहे हो भाई बारिश हुई थी ना, तो अभी थोड़ी देर बाद बादल ना बहुत सारे यहाँ तक थे, और अब देखो यार उधर देखो वो देखो देख रहे हो। और ये जो रोड है ये मेन रोड है जो इधर से जो आ रही है, ये आ रही है रुद्रप्रयाग से आ रही है, ये रोड रुद्रप्रयाग से जा रही है बद्रीनाथ मतलब केदारनाथ बद्रीनाथ जा रही है, और ये ही रोड पड़ेगा चोपटा के लिए। ये तिलवाड़ा सिटी है टाउन है यार, ये पता नहीं, इतना नॉलेज नहीं है, मैं तो फर्स्ट टाइम इस रूट पे, ये वो है। और अभी थोड़ी देर में निकलेंगे यहाँ से, कल अपने बाइक चलाई है 155.2 किलोमीटर, तो अभी अपन निकल रहे हैं चोपटा के लिए। तो भाई देखो वेदर दिखाओ और दे देखो चेक करो, जय बजरंगबली। कल निकले थे हम ऋषिकेश से चोपटा के लिए, बट बीच में अपने साथ वाले भाइयों की थोड़ी ना हेल्थ इश्यूज हो गए, तो फिर हमने थोड़ा आराम से आ रहे थे, तो क्या है रात को थोड़ा अंधेरा हो गया, तो फिर हम लोग ऐसे कि रात को आसपास के स्टे ले लेते हैं, तो फिर हमने ये चोपटा से पहले पड़ता है जो बद्रीनाथ से जो कट निकलता है ना उससे पहले पड़ता है तिलवाड़ा के नाम से, हमने मेन रोड पे स्टे ले लिया। और रात भर यहाँ बारिश हुई है, और भाई क्या मौसम था यार। और अभी थोड़ी देर गाड़ी को आराम से चलाएंगे, लीन नहीं करेंगे, बारिश हुई ना तो टायर थोड़े गीले हैं ताकि थोड़ी अभी ग्रिप बन सके रोड के ऊपर। लेफ्ट में जो ये रिवर जा रही है मंदाकिनी रिवर है, और ये रुद्रप्रयाग में जाके जो मिलती है उधर से आती है अलकनंदा, अलकनंदा और मंदाकिनी रिवर दो मिलती है वो रुद्रप्रयाग है, भागीरथी और अलकनंदा जो मिलती है वो देवप्रयाग है। और देखो ये टेरेस फार्मिंग कर रखी है, अगर टेरेस फार्मिंग पता नहीं ना तो जैसे हिली एरिया में जो लोग फार्मिंग करते हैं ना, देख वो ऐसे स्टेप बाय स्टेप के अंदर करते हैं ताकि जो पानी आए ना पहले ऐसे लेवल में गिरे फिर इसमें गिरे, ऐसे नहीं भाई जैसे मिट्टी कट के आ जाएगी फिर तो होता है ना सॉइल इरोजन होता है वैसे हो जाएगा फिर। वो वहाँ भी लोग है भाई वो लोग ऊपर, और वहाँ तो धुआं निकल रही है लगी, अब वो धुआं निकल रही है बादलों में ऐसे ही पता नहीं। चंद्रपुरी 8 किलोमीटर, गुप्तकाशी 24 किलोमीटर, फाटा 39, केदारनाथ 75। अबे यार बहुत पास है केदारनाथ भी, ये भी सही है यार भाई, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है दिल्ली के अंदर यार। यहाँ से राइट जाएगा या सीधा चलना है, सीधा चलना है शायद, सीधा जाएगा सीधा सीधा टुंगना चोपटा के लिए, ये ब्रिज आता है यहाँ से राइट चलना पड़ेगा। ओ भाई डैम देख रहे हो, सही है ना भाई, बहुत सही भाई बहुत सही। देखो पानी यार उधर के थोड़ा बहुत गेट खुला हुआ है, ऊपर से आ रहा है गेट, तो क्या खुला हुआ है भाई, क्या रास्ता है यार। ये शायद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाला बना रखा है, हाँ वही है। अगर जैसे आओ ना तो ये पुल आता है लेफ्ट में, लेफ्ट में जाना नहीं राइट से आना अपने को। तो गाइज यहाँ से ऊखीमठ है 5 किलोमीटर, और ओ भाई ये देखो ब्रिज सा, भाई लोहे का है बिल्कुल ही। ओ वाटरफॉल इधर यार एक नाइस, भाई मैं तो यहाँ ओवरटेक नहीं करने वाला, मेरे को तो डर लग रहा है वैसे ही। ओ भाई देख रहे हो, अरे यार ये वाला
हाँ भाई हल्की हल्की ठंड लग रही है जैकेट के अंदर से भी, लाइनर नहीं पहना हुआ अंदर का। क्या ही जगह है भाई, बारिश हुई रिसेंटली भाई, कितना मजा आ रहा है यार। ये देखो कितना ग्रीनरी देखो भाई साहब। और यार थोड़ा अब डर सा लग रहा था, क्यों अब इसमें ना पेट्रोल नहीं है यार, इसमें सिर्फ दो ही बार बचे हैं और मुझे इसके फ्यूल मीटर पे ट्रस्ट नहीं है रॉयल एनफील्ड के। बताऊं बात जो जेन्युइन बात है ना वही है। नहीं यार क्या तगड़ी जगह है भाई। तो यार अगर तुम्हारे भाई को किसी बात के बारे में गलत पता होना तो यार बता देना ऐसे भाई, सही कर देना देखो अगली बार ध्यान रखूंगा मैं। Since you got me out in the open, now I'm ready to dive in. I know you told you it would be a slow burn. यार प्लीज यार चोपटा में पेट्रोल मिल जाए, नहीं तो भाई दिक्कत होने वाली है। जीटी ने तो दिखा दी भाई पेट्रोल में, एक बार तो घर से करा के लाया था, रास्ते में तीन बार करवा लिया भाई। पेट्रोल खत्म ना हो जाए इसके अंदर यार, वापस कैसे आऊंगा, ये दिक्कत हो रही है भाई। यहाँ पे जैसे जो प्लेन्स होते हैं ना उनको पता क्या बोलते हैं, भुग्याल बोलते हैं उनको यार। क्या मस्त जगह है भाई, पहले भाई मैं मूवीज में देता था कश्मीर वश्मीर वाले सब में, और अब देखो भाई क्या तगड़ी जगह है कि नहीं। नीचे भी कैंप्स लगे हुए भाई, इन कैंप में रुकते हैं इस बार भाई, होटल रूम में तो भाई रुक गया ना, इतने मजा नहीं आता भाई, इनका भी देख लेते हैं और इनमें क्या सीन रहता है यार। यहाँ पे पेट्रोल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई इसको नहीं पिलाया ना तो भाई इसका तो ज्यादा दिमाग खराब, और ये तो मना कर दे बोला मैं तो नहीं जा रही, पर अब तुम जैसे जाना जाओ मुझे मतलब नहीं, तुम इसका ऐसा ज्यादा सीन। ओ बेटे क्या पानी आ रहा है यार, ये मुझे कमेंट में बताना कि जो ये पानी आता है ना पाइप से, ये तुम लोग ऊपर जैसे कोई मोटर वगैरह ये लगा छोड़ते हो, अभी जैसे कोई रिजर्व बना रखे हो उसमें पानी निकलता रहता है, उसमें जैसे तुम लोग कहीं पानी होल्ड कर लिया फिर उसमें पाइप लगा देते हो, फिर उसमें निकलता रहता है भाई। बादलों के ऊपर आ गया बिल्कुल, देखो और ऊपर जाना है क्या, और ऊपर जाना है भाई, अभी ऐसे पूरा पहाड़ में घूम के वहां ऊपर जाना पड़ेगा। और नीचे देखो और catch my fall, so how do I feel the ground? I wear my heart, you wear a crown. Wish I wasn't late to know. ये तो गाड़ियां खड़ी इतनी सारी, ये सब ट्रैकिंग के लिए गए हुए। ओ भाई क्या बेस्ट जगह है भाई, राइट में देखो बार, अभी अपन वहां पे थे वो जो गाड़ियां दिख रही हैं, और अभी तो कहाँ पे आ गए, ऊपर तो बादल देखो बिल्कुल हाइट पे है, अलग ही फील चल रहा है, अलग ही भाई। ये ऊपर देखो ये सब लोग गए हुए ट्रैकिंग करने के लिए, और ये भी लोग जाएंगे शायद, अब देखते हैं यहाँ पे स्टे लेते हैं यार, फिर वहाँ पे लगेज वगैरह सब वहीं रखेंगे, देन उसके बाद फाइनली देख रहे हो। ओ भाई राइट में तो डर सा लग रहा है थोड़ा भाई, यहाँ स्टार्ट होता है टुंगनाथ का ट्रैक, और अपन आगे चलेंगे अभी, क्या सही जगह है ना भाई। अभी अपन थोड़ी इधर होम स्टे वगैरह लेते हैं, लेट्स सी भाई। टुंगनाथ जो ट्रैक स्टार्ट था वो पीछे से, बट ये अपन होम स्टे लेंगे कहीं, देन वी विल गो फॉर द ट्रैक। राइट में देखो भाई पूरे रोड पे गाड़ियां खड़ी है सिर्फ, देखो